पिछले क्लास में हम लोग होम टैब पे थे। होम टैब पे थे ना कि होम टैब पे क्या क्या फंक्शनलिटी हम लोग कर सकते एमएस एक्सेल में। होम टैब में कौन कौन सी फैसिलिटी हम लोग पूरा ले सकते हैं। अब इंसर्ट टैब है, अब हम लोग होम टैब के एमएस एक्सेल का एक एक्चुअल फॉन्ट भी खोल देते हैं। एमएस एक्सेल क्या होगा उसे को दिखाते हैं। लैब में होगा ओके। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। पिछले पिछले क्लास में बिट्टू भी थे, आदित्य भी थे, वो बच्चा नहीं था। नहीं नहीं इस सारे सीट को क्या बोलते हैं, जो पोर्शन हम हाईलाइट किए इसको क्या बोलेंगे? इस सीट को जिसको जैसे अब सीट व्हाइट हो गया, हाँ हो गया ना व्हाइट, इसको स्प्रेड सीट बोलेंगे। जिसको हमने स्प्रेड शीट किसका कलेक्शन होता है आपसे पूछा जाए कि स्प्रेड शीट के रोज एंड कॉलम्स डेटा बाद की चीज है, ठीक है। ओके इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको सर जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में जो पोर्शन है, टॉप राइट कॉर्नर बताओ बिट्टू, टॉप राइट टूल बार बोले थे, टूल बार तो सर ये है ना नीचे वाला, इसको क्या, इसको क्या बोलते हैं, होल को तो टूल है लेकिन इसको होल को क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। रिबन तो सर नीचे वाला कौन बोलता है, कहां है कर्सर सर, ये है नहीं लगभग एक्सेल के अंदर 1000 फंक्शनलिटी होती है। एक्सेल के अंदर लगभग 1000 होता है, लगभग 1000। अब नए नए और आएंगे तो उसमें और बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं। अब होम हम लोग कर लिए थे, होम लोग होम में ये सब टूल्स है। आप कह सकते हो होम के अंदर बीच तो सब बच्चा को पता ही है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये है कलरिंग, ये है टेक्स्ट बढ़ाना टेक्स्ट घटाना, टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट की साइज बढ़ाना घटाना, सेलेक्ट करना पड़ता है। बिना सेलेक्ट जैसे आपके आपने लिखा है 1000 लाइन कॉलम रो बनाया, कितने तक को सेलेक्ट करना वो आपके ऊपर है ना। एक होता है कंट्रोल, ए कंट्रोल से क्या करते हैं, सिंपल सी बात, सेलेक्ट करते हैं। और जब हमको प्रीडी मतलब स्पेसिफाइड लाइन सेलेक्ट करना होता है तब क्या करते हैं, मतलब कर्सर ले जाके मॉनिटर ऐसे करके हम करते हैं ना, लेकिन पूरा करना होता है तो कंट्रोल ए दबाते हैं। अब देखो अब अपन लोग आते हैं इंसर्ट टैब पे। दिस टैब अलाउज यू टू इंसर्ट ए वैरायटी ऑफ आइटम्स इनटू ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम पिक्चर्स क्लिप आर्ट एंड हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर और फुटर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कभी आप बायोडेटा बनाते हैं रिज्यूम बनाते हैं तो फोटो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चिपका होता है, आपका फोटो लेफ्ट कॉर्नर में, बहुत लोग राइट में चिपका देते हैं लेकिन एग्जैक्ट प्लेस उसका लेफ्ट ही है लेकिन लोग राइट भी लगा देते हैं, तो वो क्या हुआ हेडर।
और जो नीचे का पोर्शन हुआ वो हुआ फूटर। तो इसके थ्रू जैसे आप इंसर्ट टैब में आइए, इंसर्ट टैब में आप आइए तो देखिएगा, अभी हम लोग इंसर्ट टैब में है, इंसर्ट टैब में क्या क्या है, पाइवोट टेबल है। अच्छा कर दो, मेन मत गिरा देना, जिसने सब बोला हमको नहीं पता है। ठीक है। अब सुनो, अब दिख रहा है स्क्रीन। अब है कि हम इंसर्ट मोड पे, इंसर्ट मोड में एक होता है पाइवोट टेबल ऑप्शन, टॉप राइट कॉर्नर के नीचे, फाइल के जस्ट नीचे। दिख रहा है ये पाइवोट टेबल नहीं दिख रहा है, ये सब ऊपर जहाँ माउस है। ओके, ये कट रहा है, तो टॉप राइट कॉर्नर में है पाइवोट टेबल, उसके बाद रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, याद रखो उधर रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, पाइवोट टेबल के बाद रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, फिर होता है टेबल। टेबल से क्या समझते हैं आप लोग? आप जैसे टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड में, तो सब बच्चों ने बताया होगा अपना मार्कशीट भरने के लिए, जो मार्कशीट भर के हम कहीं बायोडेटा तुम लोग का तो आप रिज्यूम का बनाते होंगे, तो टेंथ का, ट्वेल्थ का, ग्रेजुएशन का, पीजी का जो मार्कशीट हमको भरना होता है, तो उसके लिए हम टेबल बनाने का काम करते हैं, ताकि टेबल में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो जाए। फिर होता है पिक्चर्स। पिक्चर्स में क्या होता है कि हम कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, अगर हम वहां से अपने, जैसे देखो टेबल में सर और लेफ्ट राइट देखिए, जैसे क्या हुआ, देखिए टेबल जब हमने लिया, देखिए टेबल इसी तरीके से हम चाहेंगे तो टेबल इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको सिंपल सी बात, अगर आप टेबल बनाए ठीक है, इसे हम लोग टेबल इसलिए बनाते हैं, कोई भी चीज एप्लीकेशन देखो, जैसे आप काम करते हो, वी आर डेवलपिंग आवर एप्लीकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। टेबल हम जैसे बनाए कि हमें क्लाइंट का जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। जैसे उसमें दिखा, जैसे हम टेबल बना के अगर हम पिक्चर इंसर्ट करना है तो पता चल जाएगा टेबल के पार्टिकुलर कॉलम में पिक्चर है, उस टेबल के पार्टिकुलर कॉलम में पिक्चर है। आप इसमें बनाओ पिक्चर इंसर्ट करना होगा, चाहे ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना होगा, तो पिक्चर जो इंसर्ट हम करेंगे तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए लोकेशन चाहिए कि नहीं? जैसे हम, आप एक मिनट सोचिएगा, आप भी अपना एग्जाम का फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं, DRCC का फॉर्म भरते हैं, आप अपना फोटो डालते हैं, ये बंदा अपना फोटो डालता है, ये बंदा अपना फोटो डालता है, आप अपना आधार डालते हैं, ये अपना आधार डालता है, ये अपना आधार डालता है, तो वहां अगर टेबल नहीं होगा, टेबुलर फॉर्म,
तो डेटा कहाँ से उठेगा और कहाँ चला जाएगा ये डर होता है। तो उसको जब हम टेबुलर फॉर्म में डालते हैं तो डेटाबेस के फॉर्म में वो डेटा जाता है। इसलिए जैसे आपको पढ़ाया गया था ओरेकल भी, तो ओरेकल में हम ओरेकल में बहुत ही ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल इसलिए बना देते हैं कि पॉइंट टू स्पेसिफिक कि आपका जो डेटा है वो जाएगा कहाँ, वो स्टोर होगा कहाँ। तो एक्चुअल लोकेशन के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। जैसे आप बताओ एमएस वर्ड में ही अगर हम ऐसे कर दें कि टेंथ का रिजल्ट डाल दें, टेंथ फिर उसका परसेंटेज, फिर उसका ईयर, फर्स्ट डिवीजन सब डाल दें, टेबल नहीं बनाए, लेकिन टेबल बनाने से एक चीज आपका ध्यान डायरेक्ट कंसंट्रेट होता है उस पर, होता है कि नहीं। आप ऐसे भी अगर एमएस वर्ड में बना दो तो कोई दिक्कत है क्या? जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे हो, टेक्स्ट उसमें भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन टेबल क्यों बनाते हैं कि टेबल पे डायरेक्ट फोकस जाए कि एक्चुअल डेटा है कहाँ, एक्चुअल चीजें हैं कहाँ। तो टेबल इसमें है, रोज और कॉलम बना हुआ, रोज कम से कम इसमें बन सकता है, जो पहले के जो एक्सेल थे उसमें 65,536 रोज बन सकते थे, आज के जो रोज के सिस्टम है लाखों में चला गया है, उतना रोज हम बना सकते हैं। पहले कॉलम भी सीमित था कि 256 कॉलम तक हम बना सकते हैं, 0 से 255 कॉलम तक, 0 से 255 का मतलब 256 नहीं है। एमएस वर्ड में रो कॉलम थोड़ी बनाएंगे, लेकिन अब इसमें संख्या बढ़ गई। तो टेबल बनाने का मतलब टेबल्स में से आप पिक्चर्स को, जैसे पिक्चर्स हम डाले और यहाँ डाले, मान लेते इस रो में डाल दें या इस रो में डाल दें या इस रो में डाल दें, तो आपका स्पेसिफिकेशन नहीं हो जाएगा। जब डेटाबेस आप कोई चीज डेटा डालते हो, जैसे आप टेंथ का मार्क्स डालते हो, ट्वेल्थ पहले टेंथ डालते फिर ट्वेल्थ डालते फिर ग्रेजुएशन डालते फिर पीजी डालते फिर एक्सपीरियंस डालते, क्या टेंथ में अगर ट्वेल्थ का मार्क्स चला जाए तो क्या होगा, ट्वेल्थ में टेंथ का मार्क्स चला जाए तो क्या होगा, ग्रेजुएशन में पीजी का मार्क्स, तो टेबल बनाने से ये दिक्कत होगा? टेबल बनाने से दिक्कत नहीं होगा। एग्जैक्ट चीज आप एक चीज बताओ, आधार नंबर, आप कोई एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, आधार नंबर की जगह मोबाइल नंबर दो लेता है, या मोबाइल नंबर की जगह आधार नंबर को लेता है? वो प्रोग्रामिंग कोडिंग के द्वारा सेट रहता है कि फोन नंबर जो होगा वो 6 से शुरू होगा और 9 पे जो फोन मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग नंबर होगा, हाँ मोबाइल नंबर का फर्स्ट लेटर 6, 3 लाइन की कोड है पाइथन में, बस 3 या 4 लाइन का कोड है ये इसके लिए, कि मोबाइल का जो फर्स्ट नंबर होगा वो 6 से शुरू होगा, लास्ट नंबर 9 से शुरू होगा और उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 10 होगी। 3 से 4 लाइन का कोड है उसी पे चलता, आधार नंबर पे हुई कोड लग जाएगा 4 लाइन का, उसमें 6 वाला नहीं लगाएगा, 6 to 9 वो तो कुछ भी आ जाता है। तो उसके एग्जैक्टली क्लिक करते हैं, टेबल बनाते हैं। पिक्चर्स बताइए, आपको पिक्चर्स लाना अगर है तो कुछ बताइए, लग गया पार्टिकुलर रो में, लग गया ये रो में लग गया और कहाँ जाएगा, टेबल थोड़ी बनाए हैं। अब सोचिए एक रो में इतना बड़ा पिक्चर लग जाएगा, वो उसका क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ बिट्टू सिंह का, कि एक रो में इतना बड़ा पिक्चर आके लग गया, अब बाकी वाला डेटा का कितना दिक्कत हो रहा होगा बताओ, बाकी डेटा है एडजस्ट हम डेटाबेस में कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम पूछ दियो, आईटी इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछ दियो, तुम बहुत अच्छा, हाँ तो तुम क्वेश्चन पूछे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। आज के डेट में सुनो, आज के डेट में हम लोग ऐसा नहीं करो, आज के डेट में हम लोग डेटाबेस पढ़ते हैं और डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में कंप्यूटिंग में, डेटाबेस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंट कंप्यूटिंग, प्रेजेंट कंप्यूटिंग में डेटाबेस का बहुत ज्यादा रोल है, डेटाबेस का क्या है, बहुत ज्यादा रोल है प्रेजेंट कंप्यूटिंग में। अब क्या हुआ, एक सेकंड,
कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले क्या होता था, जो डेटाबेस होता था, पहले डेटाबेस होता था अनरिलेशनल, उसके बाद जो डेटाबेस का डेवलपमेंट हुआ रिलेशनल डेटाबेस का डेवलपमेंट हुआ। किसका डेवलपमेंट हुआ? रिलेशनल डेटाबेस का। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब एक कॉलम वैल्यू से दूसरा कॉलम वैल्यू जुड़ा होना। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट नंबर से, अब बैंक में बताओगे मेरा पार्टिकुलर अकाउंट नंबर ये है, तो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन आपको बता देगा, बताएगा कि नहीं। उसी तरीके से बाद में जब डेटाबेस में चीज आई कि डेटाबेस में केवल हम डेटा ही क्यों रखेंगे, डेटाबेस में हम इमेज क्यों नहीं रख सकते, रखते थे, ग्राफिक्स क्यों नहीं डाल सकते, इमेज ग्राफिक्स एनिमेशन ऑडियो वीडियो क्यों नहीं रख सकते। तो दिक्कत होती थी कि जो ये इमेजेस ग्राफिक्स होता अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड मान रहे हो अपने तुम लोग देखकर, किसने पूरा रो को एक्वायर कर लिया, प्रॉपर एक अलाइनमेंट किया हुआ टेबल देना चाहिए जहां पे वो प्रॉपर उस जगह में। तो मान लेते हैं हम कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरवा रहे हैं या कोई प्राइवेट फॉर्म भरवा, वहां 10,000 बच्चों का इमेज है, कितना दिक्कत होगा बताओ बिट्टू। ऐसा 10,000 इमेज आ जाए तो इमेज तो आएगा ही, इमेज आएगा ना। जब हम किसी का फॉर्म ही भरा रहे हैं, आधार का ही इमेज आएगा, पैन कार्ड का ही इमेज आएगा, आपका थंब इम्प्रेशन का इमेज आएगा। तो फिर बाद में क्या हुआ, एक डेटाबेस आया है 2-3 साल पहले मोंगो डीबी के नाम से, मोंगो डीबी और डायनमो डीबी, जिसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी बहुत अच्छे तरीके से कर देगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम एक्सेल में आ रही है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मोंगो डीबी तो मोंगो डीबी और डायनमो डीबी इसके लिए सबसे परफेक्ट है। देखो सोचो ना, आप देख सकते हो इसमें, देखने कितना रो को इसने ब्लॉक कर दिया है भाई, साइज करते रहो, कोई फॉर्म भरा है 20,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो जो यूजर बैठा हुआ है कंप्यूटर पे जो फॉर्म देख रहा हो, अगर साइजर ही साइज करते चला गया तो एक्सेल नहीं, नहीं फॉर्म होता है, लेकिन फॉर्म डेटा, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो, अच्छा सवाल है तुम्हारा भी, जैसे आप कोई फॉर्म भरे, जैसे आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरे, सबमिट करते हो, सब लोग करते होंगे, डेटा कहाँ जाता है ये सवाल बिट्टू। बनता ही है, देखिए बिट्टू सही जगह पर है, क्यों तो उसमें क्या एक्स, जो देखो हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं अभी जीमेल को यूज करते हैं, जीमेल यूज करने के लिए बिट्टू क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जीमेल पे किसी बंदे को मेल भेजना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू यू टेल मी, इंटरनेट हो गया, फिर लॉग इन, लॉग इन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, मतलब क्रोम पे, तो दैट इज ए फ्रंट एंड, दैट इज ए यूजर इंटरफेस, दैट इज ए यूजर इंटरफेस। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप कम्युनिकेट कैसे करोगे उस एप्लीकेशन से। आज आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, सारे बच्चे करते होंगे, तो ऑनलाइन बैंकिंग में क्या हम एप्लीकेशन को पहले ओपन करते हैं, SBI ऑनलाइन करते हैं, हमारा वो फ्रंट एंड आता है, हमारा वो यूजर इंटरफेस आता है, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट उस एप्लीकेशन से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उस एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन। तो क्या है, दैट इज ए यूजर इंटरफेस, दैट इज ए फ्रंट एंड, लेकिन जब हम इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और कोई सबमिट बटन दबाते हैं, कोई डेटा हम भरे, 10th का 12th का ग्रेजुएशन नेम फादर्स, तो डेटा वो कहाँ जाता है, डेटाबेस में, जिसका जवाब बिट्टू ने दिया, वो कहाँ जाता है, उस पार्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस में वो डेटा जाता है।
नहीं तो आपको एक आईडी वो जनरेट कर देगा, जब आप कोई फॉर्म भरते हो या कुछ ऑनलाइन काम करते हो तो आपको एक आईडी जनरेट करके दे देता है कि आप उस आईडी के थ्रू आप उसको कुछ एडिट कर सको। जैसे आधार में आपसे कोई गलती हो गई आधार भरने में, तो आप जब उसको करेक्शन करोगे तो आइदर योर थंब इम्प्रेशन लेगा या आपका वो नंबर लेगा, आपका वो एज एन इनपुट लेगा, लेता है कि नहीं, तो जाकर फिर उसको एडिट कर देता है। तो एक्सेल में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इमेज को MongoDB DynamoDB की तरह अच्छे से रख सके। एक्सेल में क्या है, मैक्सिमम टेक्सचुअल डेटा बहुत अच्छे तरीके से रख सकेगा और ग्राफिक्स इमेज भी रखेगा, लेकिन एक दो, जैसे हम कहें ना कि कोई कोई आधार कार्ड अब एक्सेल यूज कर ले तो पागलिन हो जाएगा आधार कार्ड संस्था, क्योंकि तो एक करोड़ लोग का डेटा ऐसे रहेगा। तो अब आइए इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब, ऑनलाइन जैसे पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं कैसे फिट करना है, प्रैक्टिकल में सीखेंगे साहब, कैसे क्या करना है, पिक्चर कहाना है कैसे, हम सब प्रैक्टिकल में सीखेंगे। लगाते रुके, जैसे पिक्चर से यहाँ गए, जैसे हम इस रो को सिलेक्ट कर लिए, पहला कॉलम के फर्स्ट रो को सो क्लिक कर लिए, कहां गया हम लोग, सी से दिख रहा है, सी से डी से ही करें, डी पे गए, हम बड़ा कर देते रुको, पहले डी पे अब दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिए उस सेल को, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है, कृष्णा, फिर हम गए पिक्चर में, गए कृष्णा, धीरज आ गया, वही आ गया, और कौन आएगा क्या समझा है सारी कहानी तुमको समझा दिए, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं MongoDB में, DynamoDB में, Oracle में, उनमें कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। आप कीजिएगा अभी तो कितना, अब आप सोचिए कई की होगा, लेकिन अब आपका यही रो का संख्या नहीं, एक सेल सेलेक्ट किया, एक ही सेल में हम फोटो लगा दे, रुको भाई अपने हिसाब से लगाएगा, ये भी यही ना है, इसमें करा के अपने हिसाब से हम कहेंगे रोको, देखो तो चला गया ना, ये देखो आ गया डी में, ये दिख रहा है, देखो जा रहा है, नहीं हो पाता काजस भाई एक्सेल में, रुको रुको देखते हैं, ये दिखेगा लेकिन अब रोज साइज करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, एक दो अब हम जैसे आधार का जहां 1 करोड़ फोटो करते लगे तो सालों साल तो फोटो ही ऊपर नीचे करते रह जाएगा, काम क्या होगा, ठीक है ये कर लिया, अब कॉलम और रो का ही संख्या दिखना बंद हो गया, मतलब कितना मिनिमाइज हो गया, देखो नहीं हो गया, नहीं फिर से क्या लाना, वो तो आ जाएगा बड़ा करेंगे, देखिए वो आ जाएगा बड़ा, जैसे ही होगा बड़ा आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, आया तो डी पे ही है भाई, कहाँ दिख रहा है, देखो क्या सिलेक्शन नीचे, एक ही सेल है सर, उस सेल दूसरे को एक्वायर कर लिया है, दूसरा डेटा रहेगा तो मतलब छिप जाएगा, रहेगा तो अनस्ट्रक्चर्ड है, डी पे ही रहेगा, देखो तो हम सेलेक्ट कर रखे तो डी के अलावा कहीं जा रहा है क्या, लेकिन है कि दूसरा डेटा को ये ढक देगा, नीचे देखो ना आदित्य, देखो ये
इसमें इमेज को नहीं कर सकते ज्यादातर, एक्सेल में नहीं होता क्या है? एक्सेल में ऑफिशियल वर्क में क्या करेंगे सबसे ज्यादा? हाँ, किसके लिए सुटेबल है सबसे ज्यादा एक्सेल यूज होता है कहाँ, ये बताते हैं सर? शोरूम्स में, शोरूम तो बहुत छोटा यूज है, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, जिसमें आपको पैकेज अगर बहुत अच्छा नॉलेज हो गया एडवांस एक्सेल का, एक्सेल का 10 लाख 12 लाख 14 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा एडवांस एक्सेल। अरे टेक्सचुअल डेटा रखने के लिए कितना अच्छा ग्राफिक्स है, टेक्सचुअल डेटा ग्राफिक, जैसे हम इमेज रखना चाहे डिस्टर्ब कर दिया, नहीं टेक्सचुअल डेटा रखने के लिए, जैसे हम बना लिए रिकॉर्ड रखने के लिए, फील्ड रखने के लिए, सबसे नंबर ऑफ रो और कलेक्शन आता है, जैसे किसी का नाम डाल दिए, फोन नंबर डाल दिए, सबसे ज्यादा इसको बैंकिंग में यूज किया जाता है, प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, अगर एडवांस एक्सेल आता है तो आपको आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा जॉब दे देगा। अब सुनो, इसमें क्या कर सकते थे, इंसर्ट टैब के थ्रू, दिस टैब अलाउज यू टू इंसर्ट ए वैरायटी ऑफ आइटम्स इनटू ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम पिक्चर्स, क्लिप आर्ट एंड हेडर्स एंड फुटर्स। अब मेरा एक क्वेश्चन और तुम लोग से है, रुको इसको पहले हम डिलीट करते हैं, रुक जाओ। अब सुनो, उस बच्चे ने बोला टेबल बनाने की बिट्टू की थी की जरूरत क्यों है। अब देखिए सी से दिखता है कि डी से, डी पे आ जाते, ई पे आ जाते हैं, ई पे आए, क्या कहे मार्च कर। अब देखिए ये कॉलम हमने बना लिया, ये कॉलम हमारा इतना बड़ा पार्ट को ले लिया, टेबल का ले लिया ना, ये अब सेक्शन को हमने बड़ा कर लिया। अब आप इंसर्ट कहाँ गया, आप पिक्चर को इंसर्ट कीजिए, आप तो अब इमेज रखने के लिए हमने इतना बड़ा किया, और हम देख लेंगे कि इमेज की साइजिंग कितनी बड़ी है, तो उतने रो के अंदर हम एक टेबल डेवलप कर लेंगे, ताकि उस सेक्शन में जैसे ई से एफ तक की, हम ई से अगर एल तक कर लें तो एक कॉलम हमें मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, एक कॉलम और रो मिलेगा ना, तो हमको बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन ये तरीका जिसको कहेंगे कि जुगाड़ से हमने अपना काम कर दिया, जुगाड़ लगाकर, इसीलिए जहां भी अनस्ट्रक्चर डेटाबेस होता है वहां डायनेमो डीबी और मोंगो डीबी दो काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या कहें, अब आइए पेज लेआउट टैब। अब देखिए पेज लेआउट टैब क्या करेगा, पेज लेआउट टैब क्या करेगा, हाँ अब पेज लेआउट टैब की तरफ हम लोग बढ़े, पेज लेआउट पे आ जाइए, उसमें आएंगे ना भाई, अब असाइनमेंट देंगे ना, हाँ तो इंसर्ट तो लगेगा टाइम ना जी, अलग से सिखाए स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, ये सब मर्ज सेल कल हुआ था, बिट्टू प्रेजेंट था, होम का होम पे है, देखो नहीं उसको कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, होम पे आओ, देखो कहाँ है मर्ज और सेंटर, कहाँ है, होम में एक इंसर्ट में,
होम में है जी, इंसर्ट में कहाँ है? देखो इंसर्ट खोले, इंसर्ट में बताओ कहाँ पे है, कहाँ है बताओ ना तुम, देखो इसमें इसमें सब चीज तो आँख के सामने है, बताओ कहाँ है इंसर्ट में, होम में है वो। अब होम में आओ, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, होम में क्या है, मर्ज एंड रैप टेक्स्ट जनरल, अब आप पेज लेआउट में क्या करते हैं, नहीं व्हाट वी आर डूइंग इन पेज लेआउट, पेज लेआउट में क्या करते हैं, मतलब एक अगर आपसे कहा जाए तो बोल सकते हैं कि वी कैन डू द सेटिंग ऑफ आवर पेज, सिंपल सी बात में अगर इसको सिंपल लैंग्वेज बोले तो वी कैन डू द सेटिंग ऑफ आवर पेजेस। सेटिंग का मतलब मार्जिन्स, मार्जिन्स तीन तरीके से बढ़ती है, नॉर्मल वाइड नैरो, मार्जिन्स तीन तरीके से बढ़ती है, नॉर्मल मार्जिन, वाइड का मतलब क्या समझते हो, फैलाना, चौड़ाई, नैरो मतलब संकीर्ण, मतलब क्या नैरो मतलब चौड़ाई को कम करेगा, मार्जिन तीन तरीके से, तो फिर आता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेंटिंग बहुत निकाले होगे तुम लोग, पोर्ट्रेट क्या होता है बताओ जा सर, वो बिट्टू बताएगा कर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या अंतर है, एक टेबल बना के बताओ, बताएगा बिट्टू, प्रिंट बहुत निकाला ये, बताओ 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 एक एक के तुम जैसे एक डायग्राम बना के एक एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल का थोड़ा सा मतलब ज्यादा चार पांच कॉलम बना के जाना चाहिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये पूछ लेगा आपसे इंटरव्यू में, जैसे नहीं तो पोर्ट्रेट में हुआ क्या है, नीचे लिखो पोर्ट्रेट कौन सा है, नहीं ये क्या है पोर्ट्रेट क्या है, मतलब वर्टिकल को डिट, जैसे अगर ये मोबाइल अभी है तो किस मोड में है, मतलब जिसमें बिट ज्यादा बढ़ जाए वो लैंडस्केप है, ये मेरा तुम्हारा क्या है, जिसमें बिट बढ़ जाए, नहीं नहीं ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आप किसी को डाउट तो बताओ जी, नहीं क्या होता है, नहीं है तो बताओ, हाँ वेरी गुड, बहुत सही बोला, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, जिसमें लंबाई हो गई वो पोर्ट्रेट हो गया, जिसमें चौड़ाई हो गई वो लैंडस्केप हो गया, मतलब कोई पेज है, अगर कोई पेज ऐसे है तो पोर्ट्रेट है और ऐसे है तो लैंडस्केप, क्या देख रहे हो, साइज, साइज से क्या समझते हो, कौन कौन सा होता है बताइए, पूरा अपने बल्ले लो सर, एक लेटर साइज होता है जो इतना साइज होता है, तो क्या बोलते हैं, सर एक साइज होता है शादी कार्ड वाला साइज, देखो साइज क्या क्या है, देखो लेटर साइज है इसकी, लेटर साइज है टैब्लॉइड है, लेटर साइज है
टैबलॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, ए थ्री है। देखो हम लोग किस पे निकालते हैं प्रिंट आउट, कौन सा पेज निकालते हैं जो थोड़ा सा पेज में वेटेड पेज होता है, जो हम समझ रहे हैं जो ए फाइव में जो वेटेड पेज होता है, जिस पेज में थोड़ा सा सोचो ना कि आप देखो लेटर है 21.59, ए फोर भी है 21.59। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड साइज हमें जो लग रहा है ए फोर ही है। इसे लेटर है तो लेटर साइज है 21.5। बैंक हाँ, तो उसका देखते हो कैसा रहता है पेज का, पेज पासबुक का पेज कहाँ बड़ा होता है। ये पासबुक को छोड़ दीजिए, आप जो बैंक से स्टेटमेंट भी लेते हो ऑनलाइन, वो भी तो एकदम बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है और ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी हमको लगता है स्टेटमेंट से भी कम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बहुत पतला पतला आता है, लंबा सा तो आता है लेकिन उसकी विड्थ नहीं होती है उसमें। विड्थ होती है क्या, लेंथ होती है उसके पास। तो मोर पेपर साइजेस देखो और क्या है, मोर पेपर साइजेस पोर्ट्रेट लैंडस्केप कट गया था, कट जाएगा स्टेटमेंट में बोलना। जैसे सर बैंकिंग स्टेटमेंट हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट हो गया, एटीएम स्टेटमेंट हो गया, क्या हाँ उसका कहना है कि स्टेटमेंट में कैसा कैसा चीज निकाल सकते हैं। हम कहें कि ऑनलाइन बैंकिंग स्टेटमेंट, ऑनलाइन इंश्योरेंस स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल स्टेटमेंट और पूछ रहा है एग्जांपल। हाँ बताओ, ये बताएगा आदित्य टैबलॉइड में क्या निकाल सकते हैं। लेटर में तो समझ गए कि लेटर निकाल सकते हैं कुछ सभी आवेदन। ये टैबलॉइड फॉर्मेट ज्यादातर कंपनी यूज करता है, आई थिंक अपना किसी चीज का प्रमोशन वगैरह करने के लिए या फिर उनका कुछ भी काम हो टैबलॉइड में। अब सर उसमें ये बोलते हैं टैबलॉइड देख लेते हैं। टैबलॉइड क्या है साइज, एक बार एक मिनट देख लो उसको, टैबलॉइड साइज, टैबलॉइड साइज सर्टिफिकेट जो बनता है, उसके लिए सर्टिफिकेट जो बनता है उसको भी कर लेते हैं। टैबलॉइड साइज एग्जांपल, टैबलॉइड साइज
देखो अब देखो इधर ध्यान दो। अब टैबलॉइड फॉर्मेट इज, एक बार देख लो, टैबलॉइड फॉर्मेट इज ए वाइडली यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स दैट हैव प्रिफर्ड ए स्मॉलर साइज देन यूजुअल। इंडीड ब्रॉडकास्ट फॉर्मेट इज यूज बाय मोस्ट यूरोपियन न्यूज़पेपर्स व्हाइल टैबलॉइड इज वाइडली यूज इन एंग्लो सैक्सन कंट्रीज, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ अमेरिका में यूज होता है। Newspapers के लिए use the tabloid format is widely used for printing newspapers that have preferred a smaller size than usual, a smaller size के लिए। So newspaper में जो most of the यूरोपियन में होता है ad वगैरह सब उसमें उसके लिए होता है। और ये होता है European country में, मतलब Anglo-Saxon countries में, Great Britain and North America section में ज़्यादा use होता है। Index समझ गए? अस्मिता में क्या लगवा देंगे? है सर, रुक जाओ, अटेंडेंस ले रहे हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्लास में सीख लेना, मैं किया।